तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अरु टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप फिनो पेमेंट बैंक से अपने कस्टमर का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम यूज करना भी बताएंगे इस वीडियो में, आपके मोबाइल फोन से कैसे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होप आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लॉग इन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फिनो मित्र का इसको ओपन कर लेना, जो कि मैंने पहले से ओपन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी आपका फिल कर लेना है। तो यूजर आईडी डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो उसे सबमिट करने के बाद आपका एक पासवर्ड आएगा, पासवर्ड उसको भी डाल लेना है, जो भी आपका पासवर्ड हो। फिल करने के बाद दोस्तों, जैसा कि ये आपका फिनो मित्र का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है मोबाइल का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा कैश, मुझे आपको जैसा कि बताया आपको कैसे कैश विड्रॉल करना है, कैसे कैश डिपॉजिट करना है, तो उसके बारे में इस वीडियो को मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा AEPS, AEPS पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ऐसा कि दोस्तों, आपको किसी भी कस्टमर का अगर आपको कैश विड्रॉल करना है या कैश डिपॉजिट करना है, वो आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देख रहा होगा AEPS पे क्लिक करके आपको उसको ओपन कर लेना है। ऐसे ही आप दोस्तों ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे मिली हुई है। AEPS कैश विड्रॉल, AEPS मिनी स्टेटमेंट, AEPS बैलेंस इंक्वायरी, AEPS लास्ट ट्रांजेक्शन, AEPS स्टेटमेंट, AEPS आधार पे। इसमें आधार पे का भी दोस्तों सिस्टम दिया हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी कस्टमर का कैश विड्रॉल कर रहे हैं और जैसे कि लिमिट एग्जिट बता रहा है, तो लिमिट से भी ज्यादा आप पैसा इससे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इसमें दे दिया है सर्विस। यहाँ पे देख रहे होंगे AEPS कैश डिपॉजिट ऑफ्स। तो दोस्तों, इसमें सारी सुविधाएं इसमें मिल रही है। तो सबसे पहले इसमें AEPS कैश डिपॉजिट करके आपको हम दिखाएंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको कौन से बैंक में आपको डिपॉजिट कर रहा है वो आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे दोस्तों, मुझे एयरटेल पेमेंट बैंक में सेलेक्ट डिपॉजिट करना है, तो चलिए उसको हम आधार नंबर डालते थे, उसको मैंने बैंक को सेलेक्ट कर लिया है। चलिए हम आधार नंबर अपना फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, शायद मैंने गलत डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों, आपको अपना अमाउंट डाल लेना है कि आपको कितना कैश डिपॉजिट करना है। तो चलिए दोस्तों, मुझे 100 रुपए डिपॉजिट करके चेक करना है। तो मैंने 100 रुपए सेलेक्ट कर लिया है। तो फिर यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। दोस्तों, एक बार आपको कंफर्म करने के लिए मैं पूछेगा, तो आपको ये मेरा कंफर्म है, फिर कर देना है नेक्स्ट। फिर दोस्तों, इस पे क्लिक करके आपको फिंगरप्रिंट कस्टमर का लगा लेना है। अब जैसे क्लिक करेंगे, फिंगरप्रिंट जल जाएगा कस्टमर के लगाने के बाद। तो फिर आपको कर देना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एग्जिट विड्रॉल अमाउंट लिमिट यहाँ पे लिख रहा है। तो दोस्तों, की जैसा कि मैंने अभी एयरटेल पेमेंट बैंक से कैश विड्रॉल किया था, तो शायद एक ही बार होता होगा। तो फिर आपको फिर अलग बैंक का हम चेक करके दिखा देते हैं कैश डिपॉजिट। तो वही आपको सेम जो आपका होगा बैंक, उसको सेलेक्ट कर लेना है। हाँ, तो दोस्तों एक बार फिर कंफर्म कर लें, कैश डिपॉजिट पे गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मुझे कैश डिपॉजिट करना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों, आपको अपना अमाउंट डाल लेना है। चलिए, जैसे इसमें 100 रुपए करना है कैश डिपॉजिट, फिर करना है फिंगरप्रिंट। फिर कर देना है नेक्स्ट। तो ऐसा कि दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं AEPS कैश डिपॉजिट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने आपको लाइव दिखाया होगा कैसे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 100 रुपए डिपॉजिट किया था, तो मेरा अमाउंट टोटल बैलेंस जो है बता रहा है 905 रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। तो ये तो हो गया कैश दोस्तों, कैश डिपॉजिट के बारे में। तो फिर चलिए, आपको हम कैश विड्रॉल करके भी इसको हम दिखा देते हैं।
कैश विड्रॉल करने के लिए आपको APS पे क्लिक करके आपको सबसे फर्स्ट वाले पे कैश विड्रॉल कर पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। तो ऐसा कि दोस्तों मुझे अब यूनियन बैंक से कैश विड्रॉल करना है, तो चलिए इसका हम आधार नंबर डाल लेते हैं। वही दोस्तों आपको सेम प्रोसेस एकदम करना है, फिर आपको डाल लेना है अमाउंट, जैसे कि 100 रुपये मुझे निकालना है। फिर आपको कर लेना नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट आपका चलेगा। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट पे। तो शायद दोस्तों मेरा फिंगरप्रिंट बता रहा है कि मैच किया नहीं है, तो फिर इसको हम चलो फिर से एक बार ट्राई करके चेक करते हैं। फिर मुझे डाल लेना है अमाउंट, फिर कर देना है नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट पे अपना फिंगर लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कैश विड्रॉल हो चुका है, जो कि यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, 100 रुपये कैश विड्रॉल, और मेरे बैलेंस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है वो भी आपको दिखा रहा है। देखिए यहाँ के 320 रुपये अकाउंट में बचा हुआ है। तो यहाँ से इसको आप फिनिश कर दीजिए। और दोस्तों एक और बात, इसमें आपको मिनी स्टेटमेंट कैसे चेक करना है वो भी आपको हम बता देते हैं। चलिए तो यहाँ पे APS पे क्लिक करके यहाँ पे मिनी APS मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। मिनी स्टेटमेंट आप किसी भी बैंक का, जैसे कि मुझे यूनियन ही बैंक का चेक करना है, तो यूनियन बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद जैसे सेम स्टेप है, फिर आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाने के बाद फिर कर देना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये टोटल मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है। तो आप ऐसे आप अपना मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं आप अपने फिनो मित्र बैंक से। तो होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर दोस्तों कोई भी इशू हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर भी बता सकते हैं, उसका हम जवाब 100% देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अलविदा करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।